गाइस अब लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ग्रो अकाउंट से अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को कैसे चेंज करते हैं। सो गाइस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से ग्रो अकाउंट से अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। तो वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड देखिएगा जिससे किस प्रकार कन्फ्यूजन हो आसानी से अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज कर पाओगे। तो चलिए गाइस देने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरे डिटेल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विद हनी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस अगर आप भी ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो और अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे, ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आसानी से अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप होम स्क्रीन पर आ जाओगे तो आपको सबसे ऊपर में आपका जीमेल आईडी का लोगो शो करेगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपका सेटिंग सेलेक्ट सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और आपको स्क्रॉल करके नीचे आनी है और लॉगआउट के ऊपर हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा, तो आपको सबसे ऊपर में सर्च बॉक्स पर आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करनी है हाउ टू चेंज प्राइमरी बैंक अकाउंट। जैसे कैसे यहाँ पर सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में शो करने लगेगा हाउ टू चेंज प्राइमरी बैंक अकाउंट, तो इस वाला ऑप्शन में क्लिक करनी है। तो कैसे हम देख पा रहे हैं हाउ टू चेंज प्राइमरी बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे नीचे में दे दिया गया है गाइस यू कैन डू सो बाय क्लिकिंग द बैंक डिटेल्स और यहाँ पे प्रूफ से बताया गया है किस प्रकार से अपना जो प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ से करके बताता हूँ लाइव कि किस प्रकार से अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हो। तो आपको नीचे में बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है, हरे कलर का जो बटन शो कर रहा है इसके ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है वो शो करेगा। तो गाइस यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप प्राइमरी बैंक अकाउंट को यहाँ पे आप डिलीट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तब तक नहीं होगा जब तक आप नया कोई प्राइमरी बैंक अकाउंट ऐड ना कर लो। तो देखिए गाइस यहाँ मैं इसे डिलीट का ऑप्शन शो कर रहा, तो मैं इस पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर शो कर रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस बैंक, तो यहाँ मैं येस करता हूँ तो ये बैंक अकाउंट जो है डिलीट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे एक अनदर बैंक अकाउंट को ऐड करनी होगी, उसके बाद ही चेंज या डिलीट होगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में अनदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करनी है। जैसे गाइस अनदर बैंक पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक ऑप्शन शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो बैंक आपका सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे जो आपका लोकेशन है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है आईएफएससी कोड के द्वारा और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पे डाल देनी है और उसके बाद यहाँ वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर देनी है। वेरीफाई बैंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दे दिया गया है वी आर डिपॉजिट ₹1 योर बैंक अकाउंट टू वेरीफाई, तो जैसे वेरीफाई के लिए ₹1 आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है तो वही यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे गाइस यहाँ पर आप शो कर रहेगा तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लिया जाएगा, तो आप बैंक में आएंगे। तो जैसे गाइस आप अनदर बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हो तो यहाँ पे आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट शो करेगा और ऊपर में आपका अनदर बैंक अकाउंट शो करेगा। तो जैसे गाइस अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को आप चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले गाइस आपका जो अनदर बैंक अकाउंट हो उसको आपको यहाँ पर मेक प्राइमरी बैंक अकाउंट पर क्लिक करके प्राइमरी बैंक अकाउंट कर लेनी हो। तो मेक प्राइमरी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डालकर मैं यहाँ पर प्राइमरी बैंक अकाउंट कर लेता हूँ। उसके बाद ही अपना जो प्राइमरी बैंक अकाउंट हो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करो तो ये जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाइस अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट को मैंने एग्जांपल के तौर पर दिखाया किस प्रकार से चेंज कर सकते हो। तो गाइस अगर अभी कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है किस प्रकार से ग्रो अकाउंट से प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज करते हैं तो मुझे कमेंट से कमेंट कीजिए और ऐसे ट्रस्टेड नॉलेज वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।